नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 11 2022 वर्सेस Infinix Note 12 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 11 2022 में 6.56 इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 11 2022 से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 11 2022 में 3.02 इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Hot 11 2022 में 0.36 इंच जबकि Note 12 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 11 2022 में 195 ग्राम्स जबकि Note 12 Pro 5G में 188 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Hot 11 2022 में IPS LCD जबकि Note 12 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 11 2022 में 84.88% जबकि Note 12 Pro 5G में 85.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 11 2022 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 Pro 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Hot 11 2022 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 12 Pro 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 11 2022 में Mali G52 MC2 जबकि Note 12 Pro 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 11 2022 में Unisoc T610 और Note 12 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 11 2022 में 4GB जबकि Note 12 Pro 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 11 2022 में 64GB जबकि Note 12 Pro 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 11 2022 में अप टू 1TB जबकि Note 12 Pro 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Hot 11 2022 में Android V11 जबकि Note 12 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 11 2022 में 3 कलर्स जबकि Note 12 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 11 2022 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ₹10,339 में मिल जाता है और बात करें Note 12 Pro 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ₹17,999 में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 प्रो 5G आगे है। मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 12 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, दूसरा Realme C25Y है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 11S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo T144W है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।